गिरफ्तारी के ही लिए छापामारी की जा रही है, अगर गिरफ्तार नहीं होगी तो कुर्की की जाएगी। हीरा नामक एक व्यक्ति है जिनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि साहबगंज के माननीय विधायक डॉक्टर राजू सिंह के द्वारा उनका अपहरण कर लिया। अभी तक के अनुसंधान के आधार पर कांड पुलिस को सत्य प्रतीत हुआ। देर रात्रि में माननीय विधायक के आवास पर छापेमारी की गई थी, जहाँ पर वो नहीं मिले हैं, फरार पाए गए। और घटना में जो दो गाड़ियाँ प्रयुक्त होने की बात आ रही थी, एक फॉर्च्यूनर और एक क्रेटा कार, दोनों को जब्त करके थाने पर लाया गया है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज क्षेत्र के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए बनी टीम ने उनके आवास सहित कई जगहों पर छापेमारी कर दो वाहन को जब्त किया है। शनिवार को SSP राकेश कुमार ने पुष्टि की है। आपको बता दें कि गुरुवार की रात पारू थाना क्षेत्र के रसुलपुर गाँव में तिलक समारोह के दौरान राजद नेता तुलसी राय से हुई विवाद के बाद राजद नेता के द्वारा दर्ज प्राथमिकी और न्यायालय में दर्ज बयान में भाजपा विधायक सहित कई लोगों के खिलाफ अपहरण और मारपीट का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने भाजपा के विधायक राजू सिंह के घर सहित कई जगहों पर छापेमारी की और इस मामले में अपहरण में इस्तेमाल दो वाहन को जब्त किया गया। हालांकि भाजपा विधायक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तारीख को पारू थाना अंतर्गत एक कांड प्रतिवेदित किया था, जहां पर तुलसी राय नामक एक व्यक्ति है जिनके द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि साहबगंज के माननीय विधायक डॉक्टर राजू सिंह के द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया। अगले ही दिन माननीय न्यायालय में उनका 164 का बयान दर्ज करवाया गया। अभी तक के अनुसंधान के आधार पर कांड पुलिस को सत्य प्रतीत हुआ है। इसके आलोक में कल देर रात्रि में माननीय विधायक के आवास पर छापेमारी की गई थी, जहां पर वो नहीं मिले हैं, फरार पाए गए। और घटना में जो दो गाड़ियां प्रयुक्त होने की बात आ रही थी, एक फॉर्च्यूनर और एक क्रेटा कार, दोनों को जब्त करके थाने पर लाया गया है। विधायक जी के आवास के अलावा जो उनका राइस मिल है, जो उनका पैतृक आवास है और जो पटना में विधायक आवास है, सभी जगह छापेमारी की गई है और हम लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए और अन्य जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। नहीं, वो एक गिरफ्तारी एक अन्य केस में हुई है, संयोगवश से अन्य केस। गिरफ्तारी के ही लिए छापेमारी की जा रही है, अगर गिरफ्तार नहीं होगी तो कुर्की की जाएगी। क्या भाई सर, एक मिनट।